अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मोर। व्यूअर्स, रिसेंटली मुझे एक मेरी व्यूअर की तरफ से डिमांड रिसीव हुई कि काइंडली आप शेयर करें कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रही हैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। सो हेयर इज़ द सॉफ्टवेयर बाय नेम आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर विच आई पर्सनली यूज़ एंड रिकमेंडेड टू ऑल माई व्यूअर्स टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड योर वीडियोज़। सो व्यूअर्स, बगैर अपना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप किस तरह से इसको जो है वो ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को और इसको यूज किस तरह से आप करेंगे। सो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो। मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लूंगी और यहां पर टाइप करूंगी गेट इनटू पीसी। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर अपने पीसी के अंदर डाउनलोड करना है तो आप सिंपली जो है वो यहाँ से कर सकते हैं getintopc.com से। ठीक है, तो फर्स्ट लिंक जो है ये मैं ओपन कर लूँगी न्यू टैब के अंदर और यहाँ पर जहाँ पर सर्च वेबसाइट लिखा है कॉर्नर पे, सिंपली यहाँ पर आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ये मैं टाइप करूँगी और इसको सर्च करूँगी। तो फर्स्ट पे यहाँ पर आ गया है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर प्रो 2022 फ्री डाउनलोड। ठीक है, सिंपली मैं इसको इसके ऊपर जो है वो क्लिक करूँगी। तो व्यूअर्स, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फुल सेटअप को। तो डाउनलोड फुल सेटअप पे जो है ये मैं क्लिक कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट फाइल इज ऑन द वे, यानी कि आपकी डाउनलोडिंग जो है ये होनी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स ये जो है डाउनलोड हो जाएगी, आपकी पूरा सेटअप जो है इस पूरी फाइल का ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। तो व्यूअर्स, हमारी फाइल जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपली जो है वो मैं अब डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाऊंगी। ठीक है, और डाउनलोड्स के ऑप्शन में जैसे ही जाऊंगी तो यहाँ पर जो है इस फाइल को जो है सबसे पहले मैं अनजिप करूंगी। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे जो है वो जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली आपने पासवर्ड की जगह जो वहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ था 123, आपने सिंपली जो है वो इसको टाइप कर देना है एंड देन ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, हमारे पास जो है ये आ चुका है और आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर प्रो 6.27 वर्जन हमारे पास जो है ये आ चुका है। सिंपली जो है ये मैं इस सेटअप पे जो है वो क्लिक करूंगी और सिंपली मैं येस पर जो है वो इसको क्लिक कर दूंगी। इंग्लिश ही रखनी है आपने लैंग्वेज, सिंपली मैं इसको ओके कर दूंगी। देन आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आपने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगी। देन इंस्टॉल, मेरी इंस्टॉलेशन जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर की कंप्लीट हो चुकी है और आइसक्रीम एप्स वालों ने जो है वो हमें मैसेज भी सेंड कर दिया था, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, अब सिंपली हमारे डेस्कटॉप पर जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर जो है हमारा सॉफ्टवेयर वो हमारे पास डाउनलोड होकर आ चुका है। तो व्यूअर्स, जैसे ही मैं मिनिमाइज करूंगी तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो आ गया है। अब मैं सिंपली आपको बताऊंगी कि आप इसको यूज किस तरीके से करेंगी। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लूंगी और जैसे ही मैं ओपन करूंगी तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स, यहाँ पर कैप्चर वीडियो का जो आपको ऑप्शन मिलेगा, गेम कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप गेम्स को भी जब आप खेल रहे हैं ठीक है आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, देन स्क्रीन शॉट्स आप ले सकते हैं, कैप्चर ऑडियो, सिंपली आप अपनी ऑडियो जो है वो भी कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर हम कैप्चर वीडियो की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारे फर्दर ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, फुल स्क्रीन अगर आप करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। कस्टम एरिया, यानी कि आप कोई स्पेसिफाई करेंगे एरिया को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं इस एरिया को जो है ये स्पेसिफाई कर रही हूँ। ठीक है, सिंपली मैं इसको जो है वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ एंड सिंपली मैं अपनी रिकॉर्डिंग को जैसे ही ऑन करूंगी तो हमारे पास यही एरिया रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अदर देन दिस हमारी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड में नहीं आएगी। देन जैसे ही मैं स्टॉप करूंगी और इसको जो है सैंपल का मैं नाम दे देती हूँ। ठीक है, सैंपल का नाम दे देती हूँ एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं वीडियो इज सेव। सिंपली अब मैं इस सैंपल वाली वीडियो को आपको जो है ये ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से शो होगी। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इस तरह की जो जिस तरह से मैंने सिर्फ कस्टम एरिया, जितना एरिया मैंने स्पेसिफाई किया था कि रिकॉर्डिंग में आए, उतना ही एरिया जो है वो मेरा रिकॉर्डिंग के अंदर आया है। सिंपली इसी तरह से अगर हम बात करें फर्दर इसके फीचर्स की तो इसके अंदर लास्ट एरिया, यानी कि ये भी आप एरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देन टास्क, जो भी एरिया आपने स्पेसिफाई करना है, एरिया ऑटो डिडक्शन। तो इससे ये है कि यूजुअली मैं तो फुल स्क्रीन ही रिकॉर्ड करती
जाती हूँ तो मैं फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे ही जाती हूँ, ठीक है। आप सिंपली फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। देन गेम आपने अगर कैप्चर करनी है, ठीक है, आप गेम खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो, तो आप सिंपली इस रिकॉर्डर के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। देन स्क्रीन शॉट थर्ड पे हमारे पास आ रहा है, और स्क्रीन शॉट ये है कि फुल स्क्रीन का अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना है तो मैं फुल स्क्रीन पे क्लिक करूंगी तो ईजिली जो है वो मेरे पास स्क्रीन शॉट आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। देन सिंपली स्क्रीन शॉट पर आपने क्लिक करना है और आपका स्क्रीन शॉट जो है वो कह रहा है कि आप इस फाइल को जो है वो नाम दे सकते हैं, सैम्पल टू का नाम दे दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, देन ओके। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा स्क्रीन शॉट जो है वो किस तरह का कैप्चर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीनशॉट जो है ये फुल स्क्रीन का भी कैप्चर हो गया। सिंपली अगर अब इसको मैं स्पेसिफाई करूंगी कि मुझे सिर्फ कस्टम एरिया, यानी कि मुझे सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया का जो है वो स्क्रीनशॉट चाहिए, तो सिंपली मैं इसको एरिया स्पेसिफाई कर दूंगी कि लाइक फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये एडोब इलस्ट्रेटर यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तो सिंपली मैं इसको जो है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक कर दूंगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन उसने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया है और वो कह रहा है कि आप जो है वो इसको नेम दे दें फाइल को। तो मैं इस फाइल को जो है ये ओपन करके चेक करती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट किस तरह से आया है। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स के जितना एरिया मैंने स्पेसिफाई किया था, कस्टम एरिया जितना मैंने स्पेसिफाई किया था, उसने उतने का ही स्क्रीनशॉट लिया है। सो व्यूअर्स फोर्थ वन पे मेरे पास ऑप्शन है कैप्चर ऑडियो का, ठीक है। तो इसमें सिंपली ऑडियो आपकी जो है वो कैप्चर होगी, जो हाई बिटरेट करनी है आपने, मीडियम वॉइस रखनी है या लो रखनी है, सिंपली आप इस ऑडियो इससे जो है वो ऑडियो को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। लाइक हाई बिटरेट चाहिए तो आप जैसे यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, एंड आपने अगर पॉज करनी है तो आप यहां से पॉज कर सकते हैं, देन रिज्यूम दोबारा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से हो जाएगी। अगर आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है तो सिंपली आप स्टॉप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं, देन सिंपली ओके करेंगे तो आपकी ऑडियो जो है वो सेव हो जाएगी। सो व्यूअर्स ये बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है जो कि पर्सनली मैं भी यूज़ करी और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डर्स के लिए इसी ऐप को यूज़ करें, इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है व्यूअर्स के इसका जो है वो वाटरमार्क आपको आपकी वीडियो में शो नहीं होता है। एंड व्यूअर्स जैसे कि आपको मैंने बताया इसका यूज़, तो इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आप क्विकली अपनी वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके थ्रू। अदर देन दिस आपके पास जब आप सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक स्क्रीन शॉट का भी साथ में एक सॉफ्टवेयर इसी के अंदर जो है वो डाउनलोड होता है। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो अब वो कह रहे हैं कि सेलेक्ट एरिया टू रिकॉर्ड, यानी कि जिसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप वो एरिया सेलेक्ट कर लें। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने का स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपली यहां पर टेक अ स्क्रीनशॉट का यहां पर जो है वो ऑप्शन आएगा, देन कॉपी, ठीक है, और यूआरएल, ठीक है। यूआरएल की फॉर्म में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो वो उस फॉर्म में भी आपको दे सकता है, ठीक है। देन सिंपली मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूंगी और वो कह रहा है कि आपका स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो चुका है, आप कोई भी फाइल को नाम दे सकते हैं एंड योर स्क्रीनशॉट इज सेव, ठीक है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कौन सा ऐप जो है वो यूज करके अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस तरह से इसका यूज है। सो व्यूअर्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।